नमस्कार साथियों, मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं स्त्री समस्या प्रधान नाटक सिंदूर की होली लेकर के। इस नाटक के नाटककार श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। प्रस्तुति के इस भाग में हम जिन बिंदुओं को देखेंगे जरा उन्हें एक बार देख लें। सबसे पहले हम लक्ष्मी नारायण मिश्र और सिंदूर की होली पर प्रकाश डालेंगे और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तदोपरांत हम सिंदूर की होली नाटक की विषय वस्तु या विशेषता कहिए उसको देखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर हम पात्र परिचय देखेंगे और चौथे नंबर पर सिंदूर की होली नाटक का कथानक एवं उसके साथ ही हम संवाद को देखेंगे और अंत में इस नाटक की प्रमुख पात्रा चंद्रकला का चरित्र चित्रण देखेंगे। वैसे हमने आपकी सुविधा के लिए सारे बिंदुओं के आगे एक समय दे दिया है, जिससे कि उतने समय बाद आप आगे जा करके अगला बिंदु देख सकते हैं। अब आइए इस नाटक के पहले बिंदु लक्ष्मी नारायण मिश्र और सिंदूर की होली पर संक्षिप्त रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ चर्चा कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के समय में उनके बाद दूसरे प्रसिद्ध नाटककार श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। मिश्र जी का जीवन काल 1903 से 1987 तक का है। मिश्र जी ने दो प्रकार के नाटकों की रचना की है, एक समस्या नाटक और दूसरा ऐतिहासिक नाटक। प्रसिद्धि इनकी समस्या नाटकों के कारण ज्यादा है। प्रसाद जी बुद्धिवाद के विरोधी थे तो मिश्र जी बुद्धिवाद के समर्थक। मिश्र जी को हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता कहा जा सकता है और कई विद्वानों का यह मत है। मिश्र जी के नाटकों में भारतीय विवाह प्रणाली का समर्थन और स्वच्छंद प्रेम का विरोध दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद भारतीय परंपरा के प्रगतिशील तत्वों का अन्वेषण करते हैं तो मिश्र जी मृत परंपराओं को जिंदा करना चाहते हैं। मिश्र जी इप्सन और बर्नार्ड शॉ के ही समान गद्य का ही प्रयोग किए हैं। मिश्र जी ने अपने नाटकों की मूल प्रेरणा प्राचीन संस्कृति के गौरव बोध, पूर्वजों के प्रति निष्ठा आदि में मानी है। डॉक्टर नगेंद्र इनको लेकर कहते हैं, यद्यपि उनके नाटकों की नारियां अपने काम संबंधों में पर्याप्त स्वतंत्रता बरतती हैं और इस कारण उनका चरित्र पहली दृष्टि में भारतीय मान्यताओं के प्रतिकूल दिख पड़ता है, पर गहराई में जाकर देखने से विदित होता है कि उनकी जीवन दृष्टि मूलतः भारतीय है। और यह डॉक्टर नागेंद्र का कोट याद रखने वाली चीज है, क्योंकि यही कोट आपको सिंदूर की होली में काम करेगा। वही डॉक्टर रामचंद्र तिवारी भी कहते हैं कि मिश्र जी ने परंपरा से हटकर सशिक्षा, बहुविवाह, अनैतिक संबंध आदि सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की। इन समस्याओं का समाधान भारतीय जीवन मूल्यों को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया है। मिश्र जी के अन्य नाटकों में अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, आधी रात आदि हैं। इनके नाटक प्रायः 3 अंकों के ही हैं और सिंदूर की होली में भी 3 ही अंक हैं। वैसे अगर हम समस्या नाटककारों की बात करें तो अन्य नाटककारों में सेठ गोविंद दास, उपेंद्रनाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, मनु भंडारी आदि हैं। आजीवन एक पुरुष के साथ रहने का मिश्र जी का सिद्धांत परंपरा की एक रूढ़ी है और सिंदूर की होली में भी इसी का प्रतिपादन है। अब आइए हम सिंदूर की होली नाटक के विषय वस्तु की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यह नाटक निम्न बिंदुओं पर आधारित दिखता है, या हम यूं कहें कि इसमें निम्न बिंदु जो दिख रहे हैं वह इसकी विशेषता को प्रकट करते हैं। तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण, पुनर्विवाह, वैधव्य की समस्या पर प्रकाश, प्रेम, कला, साहित्य पर अंतर्द्वंद, कानून के कमजोर पक्ष का चित्रण, नौ सिद्धांत और निराश जीवन पर प्रकाश, सामाजिक वैषम्य की पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण,
स्वच्छंद और उन्मुक्त प्रेम भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष, यह सब इस नाटक की विशेषता है और इन्हीं के इर्द गिर्द इस नाटक की पूरी कथा घूमती है। अब आइए नाटक के अगले बिंदु उसके पात्र परिचय की तरफ आगे बढ़ते हैं और पात्र परिचय को देखते हैं। इस नाटक में पहला पात्र आता है रजनीकांत। रजनीकांत भगवान सिंह का भतीजा है और 17-18 वर्ष का यह लड़का है। फिर भगवान सिंह इस नाटक का खलनायक है और रिश्ते में रजनीकांत का चाचा लगेगा, क्योंकि भगवान सिंह और रजनीकांत के पिता रमापति चचेरे भाई हैं। भगवान सिंह और रमापति के दादा सगे भाई थे। रिश्ता थोड़ा दूर का है लेकिन खून का ही रिश्ता है और यही पटीदारी का मुद्दा इस नाटक के शुरू में चलता है और रजनीकांत और भगवान सिंह के बीच पटीदारी का मुद्दा है। वैसे इस नाटक में रजनीकांत का कहीं कोई संवाद नहीं है। अगला पात्र है मुरारी लाल, जो डिप्टी कलेक्टर है। उम्र लगभग 40 वर्ष है। उसकी एक लड़की है जिसका नाम चंद्रकला है और इसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। फिर माहिर अली है जो मुंशी है मुरारी लाल का। एक मनोज शंकर है जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है और इस मनोज शंकर को मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर ने पाला है क्योंकि उसके बाप की हत्या हो जाती है। एक पात्र हरनंदन है जो रजनीकांत के पिताजी के मामा का लड़का है, जो रिश्ते में चाचा लगेगा। भगवंत के रिश्ते से थोड़ा नजदीक का रिश्ता हरनंदन का होगा। इसके अलावा इस नाटक में एक मनोरमा है जो लगभग 18 वर्ष की विधवा है और एक संक्षिप्त पात्रों में ही आपका एक डॉक्टर है। यही इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। अब हम सिंदूर की होली नाटक के कथानक अथवा कथा वस्तु उसके संवाद अथवा कथोपकथन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने पहले भी बताया कि यह नाटक 3 अंकों का है और इसमें दृश्य की कहीं कोई चर्चा नहीं है। आइए देखते हैं इसका पहला अंक। नाटक की शुरुआत में सुबह 9:30 बजे का समय है। जगह डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का बंगला है। मुरारी लाल अपने बाहर वाले कमरे में आते हैं और अपने मुंशी माहिर अली से कहते हैं कि आज मुकदमे ज्यादा हैं और मुझे घंटे भर के बाद जाना है। माहिर अली भगवान सिंह की चर्चा करता है और बताता है कि वह 10,000 देने के लिए तैयार है तो मुरारी लाल खुश हो जाता है और कहता है मनोज के विलायत जाने का खर्चा इनसे वसूल कर लो, इसी में तुम्हारी चालाकी है। मनोज के पिता की जान मुरारी लाल ने ही 8,000 रुपयों के लिए लिया है और उसे मनोज से आत्महत्या बताता रहता है। हकीकत केवल माहिर अली को ही मालूम है और मनोज का लालन पालन का खर्चा मुरारी अली उठा रहा है क्योंकि वह अपनी बेटी चंद्रकला की शादी उसी से आगे करना चाहता है। अभी मनोज लखनऊ में है और बीमार है। इसके बाद मुरारी लाल की इच्छा है कि वह अपनी पढ़ाई के लिए विलायत चला जाए, परंतु मनोज का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। फिर नाटक में आगे माहिर अली मुरारी लाल को बताता है कि राय साहब का पटीदार का झगड़ा है और उस दिन जो 17-18 साल का लड़का आपसे मिलने आया था और अपनी जान का खतरा बता रहा था, अब उसे कमजोर और गरीब समझकर राय साहब उसका हक भी हड़प लेना चाहते हैं। बेचारा उस दिन रोने लगा था, एक ही खानदान और एक ही खून। और मुरारी लाल भी भगवान सिंह को पहले से जानता है कि वह कितना गिरा हुआ और लोभी प्रवृत्ति का और किसी भी हद तक जाने वाला आदमी है। मुरारी लाल माहिर अली से कहता है कि चंद्रकला को जरा भेजो। चंद्रकला के आने पर मनोज का हाल चाल से संबंधित पत्र के बारे में वह चंद्रकला से पूछता है और चंद्रकला इसमें थोड़ा बेरुखी दिखाती है तो मुरारी लाल थोड़ा नाराज होता है और कई बातों के साथ यह कहता है कि आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। अब नाटक में भगवान सिंह हरनंदन के साथ मुरारी लाल के पास 10,500 रुपये लेकर आता है और 500 रुपया माहिर अली को देता है। फिर भगवंत और हरनंदन बाहर बैठकर बात करते रहते हैं और भगवंत हरनंदन से कहता है कि पटीदार और दाल तो गलाने की चीज़ें होती है। दाल गल जाने पर मीठी होती है
और पटीदार गल जाने पर काबू में रहता है। फिर डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल आता है और भगवंत भावुकता का नाटक करते हुए उससे कहता है कि मेरी इज्जत बिगड़ गई सरकार, हली हुकूमत सब बंद है, अब या तो वह नहीं या मैं नहीं। यहाँ पर वह भगवंत रजनीकांत के लिए कह रहा है। फिर मुरारीलाल और भगवंत की बातें होती हैं और इसी में मुरारीलाल को यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवंत ने रजनीकांत को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ लोगों को कहकर आया है और यहाँ पर वह मैनेज करने के लिए आया है। मुरारीलाल रजनीकांत को बचाने को भगवंत से कहते हैं और भगवंत को कहते हैं कि आप जाइए और उसको कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन भगवंत हाथ जोड़ लेता है कि जो होना है वो तो हो गया होगा। फिर यहाँ पर मुरारीलाल को लालच बढ़ जाती है और वो भगवंत को 40,000 रुपये देने के लिए कहता है, इससे 1 रुपया कम में वो मैनेज नहीं करेगा। और फिर भगवंत को डांट कर कहता भी है कि जाओ, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, वो हर हालत में बचना चाहिए। यह बात जैसे ही मुंशी माहिर अली को मुरारी से पता चलती है, वह उदास होकर रजनीकांत के परिवार के बारे में चिंता व्यक्त करता है और बताता है कि उसकी तो अभी नई नई शादी हुई थी, उसके परिवार में माँ है, अभी साल भर पहले उसके पिताजी का देहांत हुआ है और वह लड़का आपके पास आया था अपनी मदद के लिए कि उसके जान को खतरा है, परंतु आपने उसे डांटकर भगा दिया, आप ही की वजह से वह मारा गया होगा, वरना कानून के डर से इस बेईमान की इतनी हिम्मत ना होती। फिर मुरारीलाल कहता है, मेरी वजह से नहीं माहिर, संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है, आज इसने 10,000 दिया है, 10-10 रुपया देकर गवाहों को बिगाड़ देता, 1,000 भी खर्च नहीं होता और यह छूट जाता। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सजा तो केवल उसको होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता, बस यही कानून है। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते, हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना, यही बुराई है और इसीलिए यह सब हो रहा है। रजनीकांत की हत्या की बात चंद्रकला को भी वहां पर मालूम हो जाती है और रजनीकांत की वह बातों को याद करते हुए उसके भोलापन चेहरे, उसकी मासूमियत, उसका रंग रूप सबको याद करती है और वह मायूस हो जाती है। वास्तव में चंद्रकला रजनीकांत के प्रति आकर्षित है, जबकि रजनीकांत शादीशुदा है, यह बात भी चंद्रकला को मालूम है। इसी बीच मनोरमा का प्रवेश रजनीकांत का अपने से बनाया हुआ चित्र के साथ होता है। यह चित्र बनाने के लिए चंद्रकला ही मनोरमा से कही होती है और कुछ ही देर बाद मनोरमा इसे बनाकर ले आती है। मनोरमा मुरारीलाल के घर पर चंद्रकला को चित्रकला सिखाने के लिए रह रही है। वह 2 वर्ष चंद्रकला से छोटी है। मुरारीलाल का दिल भी मनोरमा पर है क्योंकि वह एक विधवा है। मनोरमा की शादी 8 साल की उम्र में हो जाती है। 2 साल बाद उसका पति की मृत्यु हो जाती है और अब 8 साल से वह अकेले है। मनोरमा कला और जीवन के प्रति बहुत सारी विचार रखती है। चंद्रकला से रजनीकांत के मौत के बारे में सुनकर मनोरमा कहती है कि कला के अमूल्य के लिए संसार में जगह नहीं, और आगे अपना विचार रखती है कि यह तस्वीर रजनीकांत की पत्नी के पास अब भिजवा देना चाहिए। और वह चंद्रकला से कहती है कि कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह, परंतु चंद्रकला तस्वीर भिजवाने से मना कर देती है और कहती है, ओह तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है, तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, न मालूम उसमें कला की भावना कैसे जाग पड़ी। फिर मनोरमा कहती है, इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा लेकिन गंगा के बालू में नहीं, यही तो लोग नहीं समझते। इसी तरह की चंद्रकला और मनोरमा की बातें चलती रहती है। आगे चंद्रकला रजनीकांत के चित्र को देखकर कहती है, चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है जैसे अभी हंस पड़ता है, चित्र का नाम क्या रखा है तुमने? यौवन के द्वार पर, लेकिन इसका नाम तो होना चाहिए था मृत्यु के द्वार पर, कैसे बनेगा यह? मनोरमा कहती है, चित्र में तो वह सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा क्योंकि वह चित्र में मरा नहीं है,
अब मनोरमा और चंद्रकला की इसी तरह की दार्शनिक विचारों का दौर इस नाटक में लंबा चलता है। फिर चंद्रकला उदास होकर अपने रूम में चली जाती है। फिर मुरारी लाल आता है और थोड़े तरीके से मनोरमा पर डोरे डालने का प्रयास करता है और मनोरमा अपने दार्शनिक विचारों के साथ इनकार कर देती है और अगले दिन ऋषिकेश जाने की बात कहती है। वहां जाकर अभी से वह रंग कलम छोड़ करके माला कंठी फेरने की बात कहती है। कला और कानून के बारे में वह मुरारी लाल से कहती है, कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। अब यहां पर मनोशंकर लखनऊ से अपनी परीक्षा छोड़कर आ जाता है और मनोरमा के बना हुआ चित्र देखकर उसकी प्रशंसा करता है। फिर मनोरमा मनोशंकर को रजनीकांत के बारे में सब कुछ बताती है। मुरारी लाल मनोशंकर से परीक्षा छोड़ने का कारण पूछता है तो वह अपनी बीमारी की बात बताता है और अपनी परेशानी भी कहता है कि जब तक मैं अपने पिता का मौत का कारण नहीं खोज लेता तब तक मेरी यह बीमारी ऐसी ही चलती रहेगी। तभी कोई रजनीकांत को गंभीर रूप में घायल अवस्था में मुरारी लाल के बरामदे में छोड़ जाता है। सभी लोग उसे जाकर देखते हैं परंतु उसका मुस्कुराता चेहरा इस अवस्था में भी चंद्रकला के मन में बैठ जाता है और वह अंदर से परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है और मुंशी माहिर अली रजनीकांत को हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ पर यह पहला अंक खत्म हो जाता है। अब इस नाटक का दूसरा अंक शुरू होता है। मनोशंकर बारामदे में खड़ा होकर बांसुरी बजाता रहता है। मनोरमा उसकी बांसुरी सुनकर उस पर रिझती है और कहती है कि मुझे भी बांसुरी सिखा दो, मेरी भी रात इस बांसुरी के साथ कट जाएगी। परंतु मनोज कहता है कि डॉक्टरों का कहना है कि बांसुरी के कारण ही मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ है और मनोज शंकर मनोरमा के प्रति अपना झुकाव अपने प्रेम को कहता है तो वह स्त्री के प्रति पुरुषों की प्रवृत्ति पर बहुत कुछ कहने के बाद कहती है कि मैं शादी तो नहीं कर सकती लेकिन तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ, संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ और तुम चाहो तो इसे स्वीकार कर सकते हो, तुम बांसुरी बजाओगे और मैं चित्र बनाऊंगी। यही सब बातें मनोशंकर और मनोरमा के बीच में होती है। तभी मुरारी लाल आ जाते हैं। मनोशंकर मनोरमा की बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। चंद्रकला गुमसुम सी रजनीकांत की याद में अपने रूम में पड़ी हुई है। मुरारी लाल मनोशंकर से चंद्रकला को समझाने की बात करता है और आगे चंद्रकला से ही शादी करने की बात को भी कह डालता है। मनोशंकर चंद्रकला की बीमारी को जानता है और वह खुलकर मुरारी लाल से कहता है कि स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था, स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मनोशंकर को चंद्रकला के बीमारी का कारण मालूम है। रजनीकांत के अधमरा चेहरे को देख करके वह घबरा गई है और यह बीमारी को अच्छे से समझता है। फिर मनोशंकर मुरारी लाल से आगे कहता है, प्रेम करना स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं, स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वह प्रेम करती है, प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम है, उसमें बुराई कहाँ है। प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो नहीं किया जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं है। फिर एक डॉक्टर साहब चंद्रकला के इलाज के लिए आते हैं और उस डॉक्टर को देख करके मनोशंकर अपना ज्ञान देने लगता है, बात करने लगता है और वह उसे कहता है कि प्रकृति ने तो बीमारी के साथ जीवन का संबंध जोड़ा था लेकिन आप लोग उसके साथ मृत्यु का संबंध जोड़ देते हैं और इसी में सब कुछ बिगड़ जाता है। फिर आगे वह कहता है कि यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं, क्योंकि मनोशंकर जान रहा है कि यह बीमारी शारीरिक नहीं है, यह मानसिक बीमारी है और मानसिक बीमारी
कुछ इसी तरीके से ठीक हो सकती है। और इसी बात को लेकर के वह डॉक्टर से कहता है कि आप बैठिए, मैं चंद्रकला को ठीक करता हूँ। फिर मनोज चंद्रकला को लेकर उसे ठीक करने के लिए हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में ही रजनीकांत एडमिट है। और चंद्रकला खुशी खुशी सच कर चली जाती है, क्योंकि चंद्रकला यह मन में ठान ली है कि वह रजनीकांत के हाथ से अपने मांग में सिंदूर जरूर भरवा लेगी। हॉस्पिटल में पहुंच करके वह यही करती है कि रजनीकांत बेहोश पड़ा हुआ है, एक तरह से वह मृत अवस्था में है। और तभी चंद्रकला अंधेरे का फायदा उठाकर उसके हाथ से अपने मांग में सिंदूर लगा लेती है। और यहाँ पर इस नाटक का नाम जो सिंदूर की होली है वह चरितार्थ हो उठता है। अब चंद्रकला मनोज शंकर के साथ घर वापस आ जाती है और अपने रूम में चली जाती है। मनोज शंकर मनोरमा से अपने प्रेम की बात कहता है तो मनोरमा कहती है, आर्य विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। मनोज फिर समाज को लेकर के और स्त्री को लेकर के उसको समझाता है तो मनोरमा स्त्री को लेकर के कहती है कि उसके भीतर संकल्प है, साधना है, त्याग और तपस्या है, यही विधवा का आदर्श है। और यह आदर्श तुम्हारे समाज के लिए गौरव की चीज है, तुमने इसे कलंक कह दिया। वास्तव में मनोरमा यह चाहती है कि मनोज शंकर चंद्रकला को स्वीकार कर ले और ये दोनों जीवन में आगे बढ़ें। इसके लिए वह मनोज शंकर को कई तरीके से समझाती है और यह सब चीज़ें दूर से सुन करके मुरारी लाल को बहुत खुशी होती है। अब वह मनोरमा को धन्यवाद देता है। यहीं पर यह दूसरा अंक इस नाटक का खत्म हो जाता है। अब इस नाटक का तीसरा अंक शुरू होता है। माहिर अली शाम के अंधेरे में कुछ दुस्वप्न का आभास करके बेचैन हो उठता है। वह हॉस्पिटल रजनीकांत के पास जाकर देखना चाहता है कि वह जिंदा है कि नहीं। उसके साथ मनोज शंकर भी चला जाता है और रास्ते में उसे अपने पिता का मौत का कारण माहिर अली से पता चल जाता है, क्योंकि माहिर अली को अपने मन पर यह एक बोझ लगता है और वह भी उसे बता देता है। अब इधर घर पर मनोरमा चंद्रकला के मांग में सिंदूर की बात जान जाती है। मनोरमा चंद्रकला को समझाने का प्रयास करती है। चंद्रकला कहती है, स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या देश क्या विदेश। और फिर इन दोनों के बीच में वार्तालाप आगे बढ़ती है। फिर चंद्रकला कहती है, मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ है, मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है। तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है, मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हो रही हूँ, मुझे किसी दूसरे पुरुष की सहायता की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मनोरमा और चंद्रकला में प्रेम के ऊपर, समाज के ऊपर बहुत सारी बातें चलती हैं। फिर मुरारी लाल को चंद्रकला के द्वारा सिंदूर अपने मांग में भरने की बात बाहर से पता चलती है और चंद्रकला से घर पर पूछना और डांटना चाहता है। पर मनोरमा चंद्रकला की मानसिक स्थिति मुरारी लाल को समझाती है और उसे मना करती है कि ऐसा मत करिए, क्योंकि वह इस समय दूसरी अवस्था में है और कोई भी घटना घट सकती है। फिर माहिर अली और मनोज शंकर भी आ जाते हैं और मनोज अपने पिता का मौत की बात मुरारी लाल से पूछता है तो मुरारी लाल स्वीकार करता है कि हाँ, मेरे द्वारा ही उसे मारा गया है। मनोज कहता है, आपने यह बात स्वीकार कर लिया, मेरी आत्मा से बोझ उतर गया, अब मैं आत्मघाती का पुत्र नहीं हूँ। मुरारी लाल मनोज से माफी मांगता है तो मनोज भी इस बात को छोड़ने को मुरारी लाल से कहता है। अब चंद्रकला भी आधी मांग खुली के साथ घर में उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर मुरारी लाल, मनोरमा, मनोज शंकर और माहिर अली है। चंद्रकला को देखकर मुरारी लाल कहता है, मेरी मर्यादा तो तूने बिगाड़ दी और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो चंद्रकला कहती है, मैं तो सदैव आपके लिए प्रायश्चित करती रही हूँ। मनोज के तरफ इशारा करके कहती है, इनके बाप की हत्या आपसे हुई और उसका बदला ये लेते रहे मुझसे बार बार मुझे ठोकर मारकर। यह सिंदूर उस 50,000 का प्रायश्चित है। यह 50,000 जो
10,000 और 40,000 रुपया मुरारी लाल ने भगवंत सिंह से लिया है। मुरारी लाल कहता है अब आगे क्या होगा। चंद्रकला कहती है कि आपने मुझे इतनी शिक्षा दे दी है कि मैं अपना निर्वाह कर सकूं और फिर पिता के घर में रहना अब तो उचित नहीं। माहिर अली कहता है मैंने सपना देखा था, मैं कहता था कि आज कयामत की रात है। मनोज और मनोरमा कहते हैं हाँ। इसी के साथ यह नाटक यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आइए इस नाटक के अगले बिंदु चंद्रकला का चरित्र चित्रण के ऊपर कुछ बिंदु देख लिया जाए। तो पूरा नाटक पढ़ने के बाद जो मुझे उचित लगा उसमें से मैंने कुछ बिंदु बनाए हैं वह आपके सामने रखता हूं। एक, स्वच्छंदता और उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर है चंद्रकला। निर्भीक और प्रेमी के प्रति यह समर्पित भी है। अपने वैधव्य को अमर बनाने की इच्छा रखती है। आधुनिक विचारों की महिला है। सामाजिक रूढ़ियों का बंधन वह अस्वीकार करती है। तथ्यों से ज्यादा भावनाओं के महत्व की वह पक्षधर दिखाई देती है। यहां इस नाटक में मनोरमा भी विधवा है और चंद्रकला भी सब कुछ देखते हुए एक विधवा के भूमिका में आ जाती है जो उसके प्रेम को चरम उत्कर्ष की तरफ ले जाता है। तो साथियों, प्रस्तुति का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है जिससे कि हम और अच्छे से अगला वीडियो लेकर के प्रस्तुत होते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम आग्रह करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। वैसे साहित्य गंगा पे बहुत सारे वीडियो आपके विषय वस्तु से संबंधित पड़े हुए हैं, चाहे वो UGC के हों, UPSC के हों अथवा किसी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम फिर आपसे आगे मिलेंगे किसी नई प्रस्तुति में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।